आज हम कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ेंगे जो भाग दो, जिसमें है जैविक प्रक्रिया, पोषण परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन है, जिसमें पढ़ेंगे हृदय के प्रकोष्ठों के बारे में, है ना। हृदय जो होता है वो चार भागों से मिलकर बना होता है, चार कोश होते हैं, जिसमें पहला दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय आता है। ये चार मुख्य इसके क्या है, कोश होते हैं। अब देखिए जो ये होता है, जो बाया अलिंद होता है वो होता है ऑक्सीजन रहित होता है ना, उसपे ऑक्सीजन नहीं रहता। दाया अलिंद और दाया निलय पे क्या होता है, वो ऑक्सीजन सहित होते हैं, मतलब ऑक्सीजन उसमें फेफड़ों के द्वारा क्या हो जाती है, वो मिल जाती है। अब देखो इसके क्या होना चाहिए, जैसे ही हम जो हमारा शरीर है क्या करता है, रक्त का प्रवाह करता है, समस्त शरीर में रक्त का प्रवाह। तो रक्त का प्रवाह जब यहाँ से होते हुए जाता है, तो यहाँ से होते हुए जैसे ही रक्त का प्रवाह होता है तो वो क्या होता है, शरीर से आता है, उसके बाद दाई अलिंद दाई नीले से होते हुए वो कहाँ चला जाता है, महाधमनियों पे चला जाता है, सॉरी फेफड़ों पर चला जाता है। फेफड़ों से पुनः आकर के वो फेफड़ों से आकर के क्या होता है, सिरा में, सिरा से फिर बाई अलिंद में, फिर बाई नीले में जाते हुए महाधमनी से होते हुए पुनः क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाते हैं, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये सब एक क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसमें ये कैसे होता है, जैसे हृदय के धड़कन का क्या होना, धड़कना है ना, तो धड़कना कैसे होता है, ये जो दाया अलिंद और दाया निलय होती है एक साथ संकुचित होती है या फिर सिक्रित होती है, और दाया निलय या बाया निलय क्या होती है, एक साथ संकुचन होती है, मतलब दोनों जो अलिंद है वो एक साथ संकुचित होंगे या फिर निलय क्या होंगे, एक साथ क्या होंगे, संकुचित होंगे। तो कैसा होता है, जब अलिंद है ना, अलिंद जब वहां पर क्या होती है, संकुचित होती है, तो सिकुड़ती है, तो सिकुड़ने से क्या होता है, रक्त क्या हो जाता है, निलय पर आकर क्या हो जाता है, भर जाता है ना। अलिंद जब संकुचित होगी तो निलय क्या होगा, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, भर जाती है। और जब निलय संकुचित होता है तो अलिंद के द्वारा क्या होती है, पूरे शरीर में क्या होने लगती है, वो रक्त का प्रवाह होने लगता है। तो इस तरह से एक का संकुचित होना दूसरे का सिद्धांत होना, और दूसरे का संकुचित होना पहले का क्या होना, निलय होना, ये ऐसी एक क्या होती है, प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अगर ये प्रक्रिया रुक जाती है तो इंसान के वहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। फिर आपने जैसे रक्त का प्रवाह, प्रवाह कैसे होगा, मतलब प्रवाह कैसे होता है, शरीर के अंग, मतलब शरीर का जो अंग है वो क्या, रक्त से अंग रक्त लाएगा, रक्त कहाँ जाएगा, दाई अलिंद से होते हुए दाई निलय पर जाएगा, दाई निलय से होते हुए फेफड़े वाली धमनी पर जाएगा, और फेफड़े वाली धमनी से फेफड़ा, फेफड़े के बाद क्या बोलना चाहिए, फेफड़ा सिरा, और क्या बोलना चाहिए, अब देखो फेफड़े से जैसे ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, और फेफड़े सिरा से होते हुए बाया अलिंद, बाया अलिंद से होते हुए बाया निलय, और बाया निलय से होते हुए महाधमनी, और महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर पर क्या हो जाती है, परिसंचरण हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, रक्त का प्रवाह और हृदय की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है ना। तो इस तरह से ये आपको क्या हो गया, हृदय का, हृदय के प्रकोष्ठों और रक्त का प्रवाह हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू।